आशा करते हैं कि आप लोगों ने इंडक्टिव पोटेंशियल का क्लास खत्म हो चुका होगा। इंडक्टिव फील्ड के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ बता दिया था कि इंडक्टिव फील्ड क्या होता है, और हमने कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी का भी सारा इंडक्टिव फील्ड का बारे में बता दिया था। ठीक है, ओके। एक बार रिवाइज करने एक रॉड होगा, रॉड का जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, एट अ पॉइंट पी पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? एनीवन? के क्यू डिवाइडेड बाई, यह दूरी हमारा कितना था, एन था, और यह दूरी कितना था हमारा, आर था, आर इंटू आर प्लस एन, या फिर हम क्यू के जगह पे हम लोग कितना पुट कर सकते थे, नेमडा इंटू एन, तो के नेमडा एन डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एन। यही था ना हमारा? अच्छा, मतलब यहां तक सबको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होता है, इंडक्टिव फील्ड, इंडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, अब हम इंडक्टिव पोटेंशियल की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं, इंडक्टिव पोटेंशियल का, क्योंकि हम आशा करते हैं आप सभी से कि आप लोग जो है इंडक्टिव फील्ड का सारा रॉड का, स्फेयर का, डिस्क का, सबका निकाल नहीं होंगे, सबका सबका मतलब देख नहीं होंगे। अगर नहीं देखे होंगे, स्टडी मटेरियल में बहुत सारा चीज अपलोड है, क्लास 12 में, नीट 2021 में बैच में, दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि उसको हम बोर्ड पे अच्छे से समझा जा सकता था, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा। अब हम बात कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी जो मेन रूप से जो क्लास था वो भी मैंने लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने क्या बताया था कि कोई भी चार्ज इन्फिनिटी से लेकर के करंट पोजिशन पे लाने में जो वर्क डन होता है पर, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी हो, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल किसी भी चार्ज का निकालना होगा करंट पोजीशन पे, तो वो क्या होता है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो भी पोटेंशियल निकालना होता है वो हमारा हमेशा निगेटिव होता है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप ग्रेविटेशन जब पढ़ रहे होंगे, ग्रेविटेशन पढ़िए चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए, बात बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ आपके पास रहेगा कि एक यहाँ पे कोई एक चार्ज है जिसका मास एम है, और यहाँ पे भी एक कोई दूसरा बॉडी है जिसका मास एम है, ठीक है, तो आपका पूछेगा कि इंडक्टिव पोटेंशियल आपका कितना होगा एट अ पॉइंट पी। ओके, तो पॉइंट पी पे इंडक्टिव पोटेंशियल कितना होने वाला है, तो इसको ये एम वन मानते हैं, इसको एम टू मानते हैं, तो आपका जो भी, सॉरी, इंडक्टिव नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे मास की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा एट अ पॉइंट पी, ओके, जिसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जब मास की बात आएगी तो। और पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना होगा तो वो क्या होगा, हम हमेशा आपका वो निगेटिव मिलेंगे। ओके, हमेशा निगेटिव मिलेंगे, कारण हमने आपको यूट्यूब के दो यूट्यूब बना दो बोर्ड बना वीडियो हुआ जो बोर्ड पे सिखाए थे, उसमें बहुत अच्छे सिखाए हैं, क्योंकि उसको बोर्ड पे बहुत अच्छे सिखा जा सकता था। तो इसका मान कितना होगा, डी माइनस डी एम वन बाई आर और माइनस डी एम टू बाई आर। ओके, अगर इसका रेडियस आर होगा तो, और हमेशा निगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव में नहीं लेंगे, कारण प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो ये सब चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो उसी प्रकार से अगर कोई चार्ज होगा यहाँ पे, मास की जगह पे चार्ज होगा, तो अगर मास की जगह पे यहाँ पे चार्ज होगा क्यू वन, और एक हमारा जो एक क्या कहते हैं इसको, स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज होगा क्यू टू, ठीक है, और यहाँ पे है रेडियस इसका आर है, कैपिटल आर ही मानते हैं, तो
तो यहाँ पे जो भी होगा इसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो भी होगा तो हमारा मान इसका कितना होने वाला है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, तो पॉइंट पी है ये हमारा, तो इसका मान कितना होगा, माइनस के क्यू वन बाई आर प्लस माइनस के क्यू टू बाई आर। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्या किया, चार्ज निगेटिव है, चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों क्यू वन और क्यू टू दोनों हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर इतना आएगा। हाँ ओके, और एक चीज और, ये हमारा दो भी क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल हमारा क्या है, अवर पोटेंशियल इज स्कैलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये बात याद रखना है। ओके, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्कैलर क्वांटिटी। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, आपसे पूछेगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो आपका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बोर्ड बीवीआई क्वेश्चन है, या बोर्ड में भी ऐसा चार गो ऑप्शन करके क्वेश्चन पूछ सकता है इन द एमसीक्यू। ओके, नॉन क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ इंडक्टिव फील्ड इज जीरो, अगर इंडक्टिव फील्ड जीरो होगा तो क्या पोटेंशियल क्या होगा, हमारा जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। ओके, तो इसी से चार स्टेटमेंट बनेगा कि इफ इंडक्टिव फील्ड इज जीरो देन इंडक्टिव पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, इफ इंडक्टिव फील्ड इज जीरो इंडक्टिव पोटेंशियल मस्ट बी नॉन जीरो, इफ इंडक्टिव फील्ड इज जीरो देन द इंडक्टिव पोटेंशियल मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, और इफ इंडक्टिव फील्ड इज जीरो देन वी कांट प्रेडिक्ट द इंडक्टिव पोटेंशियल। ओके, मतलब डाटा इज इनसफिशिएंट, मतलब कुछ भी, मतलब चार को ऑप्शन बना के दे देगा, तब क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, माइनस डीवी बाय डीएक्स, ठीक है। तो देखो अगर आपका पोटेंशियल जीरो हो जाए, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो यहां पे क्या कीजिएगा, तो आप जीरो होगा ही होगा। ओके, और अगर आपका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, तो अभी जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल अगर जीरो होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और पोटेंशियल जीरो नहीं भी हो सकता है। ओके, हाँ अगर पोटेंशियल चेंज करेगा तब, ओके, अगर क्या करेगा, इफ पोटेंशियल चेंजेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। ओके, अगर आपका पोटेंशियल चेंज करेगा तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। जैसे कि जब मैंने आपको इक्विपोटेंशियल बताया था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने क्या बताया था कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने क्या बताया था कि इक्विपोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल डिक्रीजेस
इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके तो इससे ये तो साबित हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडक्टेंस घट रहा है, घट रहा है मतलब चेंज हो रहा है, बढ़ेगा तो भी चेंज होगा, ओके पूछेगा ये हुआ पॉइंट ए आपका और ये हुआ पॉइंट बी, तो बताइए इंडक्टेंस कहाँ ज्यादा होगा, हेलो सही है आ गया, तो पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पे होगा, ए पे होगा कि बी पे ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी, ओके क्योंकि बी जो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से दूर में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन से पहले है, तो ए का जो होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, उसी तरह से हमने बताया था यह कोई सी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट सी, ये हमारा क्या होगा बराबर होगा, और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या होगा आपका इक्विपोटेंशियल होगा, ये भी आपको बताया था, ओके तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इतना सारा चीज चर्चा किया, मतलब इतना सारा चीज हम लोग ने पढ़ लिया और इतना हमें जानकारी है, ओके तो देखिए जैसे ये हुआ आपका स्क्वायर, ठीक है ये हुआ आपका स्क्वायर, अब आपको पूछेगा यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो आपके पास क्या है चार कोना है ए बी सी डी और चार कोना है और चारों पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका ओ, तो पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ओ कितना होगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ओ कितना होगा, चार गो है तो देखो इसको मानो तो ये दूरी कितना होगा, अगर ये सब डिस्टेंस ए होगा तो ये दूरी कितना होगा, तो डायगोनल होता है ए रूट टू और ए रूट टू का आधा कर दो ए बाय रूट टू, ओके और पूरा कितना चार्ज है चार गो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया फोर इंटू के क्यू और डिवाइड बाई ए रूट टू, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ कितना होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ कितना होगा जीरो, क्योंकि ये क्या अभी बताया था ये आपका क्या स्कैलर क्वांटिटी है और ये आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे रखना है टेस्ट चार्ज, ओके और फिर आपको देखना है कि ये रिपेल हो रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है, तो सब चार्ज इसको क्या करेगा रिपेंड करेगा, ये इसको इधर रिपेंड करेगा इधर रिपेंड करेगा इधर रिपेंड करेगा, तो ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा जीरो होगा एट अ पॉइंट ओ, इसे सब बाकी है अच्छा, उसी प्रकार से होगा यहाँ पे कोई आपके पास हुआ क्यूब हुआ, ठीक है क्यूब होगा और क्यूब का जो है साइड है कितना आपके पास ए, ओके तो साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है आपके पास ए, और सब जगह जो चार्ज है वो कितना आपका क्यू 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 क्यू, ओके अब पूछेगा सेंटर पे सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर पे पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ओके तो बॉडी का सेंटर को आप ए मानो, ओके तो बॉडी को सेंटर को ए मानते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ओ उसका मान कितना होगा, तब देखो आपने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो डायगोनल ऑफ द बॉडी, बॉडी का डायगोनल कितना होता है ए रूट थ्री, क्यूब का कितना होता है ए रूट थ्री होता है और उसका आधा कर दो ए रूट थ्री बाय टू, तो जो डिस्टेंस होगा जो एक कोना से होगा वो कितना होगा आपका, ओके तो वो कितना होगा आपका ए रूट थ्री बाई टू, ए रूट थ्री बाई टू होगा डिस्टेंस और पूरा कितना चार्ज है छह को चार्ज है, ठीक है आठ गो है ना चार गो नीचे चार गो ऊपर आठ गो चार्ज है, तो एट के क्यू डिवाइड बाई ए रूट थ्री बाई टू,
लेकिन जो इंडक्टिव पोटेंशियल होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका जीरो ड्यू टू सिमेट्री। ओके, इसी तरह से ट्रायंगल का पूछेगा, तो यहां पे कोई एक ट्रायंगल है ठीक है, और ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और सभी जगह हमारा चार्ज है क्यू क्यू क्यू, तो ये सेंट्रोइड है। ओके, तो सेंट्रोइड आप समझते हैं ना, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो सेंट्रोइड पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, जीरो, एकदम सिमेट्री का जीरो होना है, सोचना भी नहीं है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, स्कैलर क्वांटिटी है, इसको बस इसको डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं देखना है। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, तीन गो चार्ज है, तो यह दूरी कितना होगा, ओके, तो ये दूरी कितना होने वाला है, तो अगर इसका जो साइड ए होगा तब इससे यह पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होने वाला है आपके पास, रूट थ्री ए बाई टू। अब देखो ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को दो भाग में बटता है, जिसको मैथमेटिक्स थोड़ा सा पता होगा, तो ऊपर का पोर्शन कितना होता है टू बाई थ्री भाग, और नीचे का पोर्शन कितना होता है वन बाई थ्री भाग, तो रूट थ्री ए बाई टू का कितना पोर्शन हुआ वन बाई थ्री भाग, तो आपका जो डिस्टेंस हुआ, हाँ सॉरी नीचे का कितना हुआ वन बाई थ्री और ऊपर का हुआ टू बाई थ्री, तो हमारा जो चार से दूरी होगा वो कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, तो मतलब कि रूट थ्री ए बाई टू का टू बाई थ्री भाग, ओके, रूट थ्री ए बाई टू का टू बाई थ्री भाग, जो चार से आपका दूरी होगा, तो आपका टू से टू कट गया, तो आपका मान कितना होगा ए बाय रूट थ्री, तो आपका डिस्टेंस कितना है ए बाय रूट थ्री, तो आप सीधे कर दीजिए कितना थ्री के क्यू डिवाइड बाई ए बाय रूट थ्री, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी। ओके, तो सिमेट्रिकल बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, आगे बढ़े, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर स्फीयर पे बढ़ेंगे ठीक है, इंटीग्रेशन का काम करेंगे, बॉर्डर का निकालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन का सिखाना पड़ेगा, आज आराम चीज पढ़ेंगे सिर्फ, यहां तक कोई दिक्कत ना है तो आगे बढ़ा दें। आज हम इलेक्ट्रिक टेंशन ऑफ स्फीयर, तो आपको मैंने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, स्फीयर का जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था आपको, दूसरी बताया था कि स्फीयर कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता आपका कंडक्टिंग और एक होता आपका नॉन कंडक्टिंग। ओके, अब कंडक्टिंग बीइंग आपका दो प्रकार का होगा, कंडक्टिंग भी दो प्रकार का होगा, नॉन कंडक्टिंग भी दो प्रकार का होगा। ओके, तो कंडक्टिंग दो प्रकार का होगा, मतलब एक होगा सॉलिड एक होगा हॉलो, और नॉन कंडक्टिंग भी कौन सा होगा, एक हॉलो और एक होगा आपका सॉलिड। ओके, तो देखो जितना भी चीज को पीला रंग से रंग रहे हैं तो वो सब एक चीज हुआ, और जिसको हम ब्लू रंग से रंग रहे हैं वो एक हुआ, समझे, तो पीला रंग से रंगने का मतलब क्या बताया आपको, कि जितना भी अगर आप कहेगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों एक ही चीज होता है, क्योंकि कंडक्टिंग है, तो मतलब क्या हुआ, कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि चार्ज कहाँ होगा, चार्ज डिसाइड ऑन स्फीयर, चाहे कुछ भी हो, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं, नॉन कंडक्टिंग में हॉलो और सॉलिड, अच्छा, तो नॉन कंडक्टिंग में हॉलो और सॉलिड की बात करते हैं,
सॉलिड होगा तो उसमें क्या होगा, सारे मास पे होगा। ओके, सॉलिड का मतलब क्या होगा, ऑन मास पे चार्ज होगा, सारे मास पे चार्ज हो गया। और इसमें क्या होगा, अब इसमें मास ही पेरीफेरी पे है, मास में क्या पेरीफेरी पे, तो चार्ज भी इसी पेरीफेरी में होगा, क्योंकि मास के बिना तो चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट क्लास था वहीं पे सीखे थे। तो यहाँ पे मैं क्या होगा कि मास आउटसाइड मतलब चार्ज आउटसाइड, ओके तो इसलिए हमारा जो पीला रंग की कहानी जो हुई तो एक हुई, और जो बुंदुक रंग की जो कहानी तो हमारी एक है। तो अपन एंडोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं, वो इजी होगा हमारा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। वॉइस इज क्लियर? अब देखो तो हमने क्या किया, आपको सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होंडो कंडक्टिंग स्फीयर चाहे होंडो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके सर ओके सुनिए भाई, ओके ये हुआ अपन इसका मतलब क्या, चार्ज कहाँ होगा, पेरिफेरी पे होगा। ठीक है, चार्ज आपका पेरिफेरी पे होगा, तो चार्ज पेरिफेरी पे होगा, तो देखो ये हुआ आपका स्फीयर। तो इसमें भी तीन केसेस बनेगा, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि उसमें तीन केसेस था। तो हमने तीन पॉइंट माना, एक पॉइंट माना ए, एक पॉइंट माना बी और एक पॉइंट माना सी। हमने तीन पॉइंट माना, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, हमारे पास तीन पॉइंट है। ठीक है, तब देखो इसकी बात करते हैं। तो पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट ए कहाँ पे आपका एक्स तो होगा वो क्या होगा आर से कम होगा। पॉइंट बी क्या आपका, पॉइंट बी में क्या आपका एक्स दो है आर के बराबर है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है पॉइंट सी, ओके तो पॉइंट सी में क्या है आपका, यहाँ पे क्या है पॉइंट सी में क्या एक दो होगा वो आर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो पॉइंट एक्स आर से कम है लेकिन आपका सारा चार्ज कहाँ पे, पेरिफेरी पे, क्योंकि दो हम अभी दो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो पेरिफेरी चार्ज की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सात चार्ज आपका पेरिफेरी पे है, तो पोटेंशियल जो होगा पॉइंट ए का होगा वो कितना होगा आपका के क्यू बाई आर। उसी प्रकार से पॉइंट बी की बात करते हैं, तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा आपका के क्यू बाई आर। लेकिन पॉइंट सी की बात करते हैं, तो पॉइंट सी में क्या एक तो है आर से ज्यादा है, तब उसकी कहानी क्या होगी के क्यू बाई X? Okay. इसकी कहानी चेंज हो गई, समझे? यह स्टोरी समझ आ गई नहीं आया? ओके ओके यहाँ कोई दिक्कत ओके तो देखिए अभी देखिए इसका कंसेप्ट क्या, बोल देखिए कंसेप्ट दिखाते हैं। एक आप
मतलब जो चार्ज पेरिफेरी पे होगा उसकी बात कहानी का खत्म हो गया। अब देखिए अब कंसेंट्रिक स्फीयर होगा तब क्या होगा, हमने एक स्फीयर की कहानी कही तो समझ में आ गया। कंसेंट्रिक देखो पढ़ने हम लोग ग्रेविटेशन पे जाते हैं थोड़ा सा पीछे में जो इनवर्ट में पॉइंट है तो उसमें क्या था, देखिए अंदर में मास हुआ m1, एक स्फीयर हुआ m2, ठीक है आपके पास दो मास है, एक m1 है एक m2 है, ठीक है दो मास है m1 और m2। देखिए इसका तीन गुत्थी लिखिए, एक पॉइंट ए यहाँ पे लिखिए, पॉइंट बी को यहाँ पे लिखिए, पॉइंट सी यहाँ पे लिखिए, और इसका जो रेडियस है वो कितना आ रहा है, ओके ठीक है। अब देखो पॉइंट ए क्या है आपका, x r से कम है, x जो होगा वो क्या होगा आपका r से कम होगा, x जो होगा वो r से कम होगा। तो देखो अगर तो इसमें एक कंसेप्ट लिखो यहाँ बीच में, दो पिछले साल भी बहुत लोगों को बताया था कि देखो अगर मास अंदर होगा, देखो नोट करके लिखो यहाँ पे, इफ मास इज इनसाइड एंड डिस्टेंस इज आउटसाइड, एंड डिस्टेंस इज आउटसाइड, हमने क्या लिखा मास हमारा अंदर है, मास हमारा क्या अंदर है और डिस्टेंस हमारा बाहर है, देन वी टेक आउटर डिस्टेंस, ओके हमारा मास अगर अंदर है और डिस्टेंस बाहर है, मतलब पॉइंट कहीं पे बाहर है तो if mass is outside and point is inside, okay mass hamara outside hai, point hamara inside hai, then we take डिस्टेंस ऑफ क्या कि मास हमारा बाहर है, देखिए यहाँ पे मास को मैंने बाहर किया और पॉइंट हमारा अंदर है, तो हम वो डिस्टेंस लेंगे जो कि मास का डिस्टेंस होगा, ओके फ्रॉम द सेंटर, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए की बात करते हैं तो पॉइंट ए पे क्या है हमारा, तो एक्स आर से कम एम देखिए यहाँ पे हम पॉइंट एक आपका आर से कम है तो यहाँ पे हम बात करें एक्टिव पोटेंशियल का, ठीक है हेलो, देखिए तो पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पे कितना होगा, देखो मास हमारा अंदर और ये डिस्टेंस को हम एक्स मानते हैं तो हमारा कितना होगा, डी
एम वन बाई एक्स प्लस डी एम टू बाई आर। सब कितना का सब निगेटिव में होगा, पढ़ने बता दिए कि पूरा माइनस डी एम वन बाई एक्स माइनस डी एम टू बाई आर। ओके, उसी प्रकार से हम करते हैं पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। ओके, तो पोटेंशियल बी की बात करें, पोटेंशियल बी का कितना होगा हमारा, तो बी हमारा कितना आर दूरी पे है, तो कितना लिखेंगे माइनस डी एम वन बाई आर प्लस माइनस डी एम टू बाई। ओके, और उसी प्रकार से हम पॉइंट सी की बात करते हैं, तो पॉइंट सी का कितना होगा हमारा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी माइनस डी एम वन बाई एक्स, क्योंकि ये जो है एक्स जो है आर से बड़ा है, और माइनस डी एम टू बाई एक्स। ओके, ये बात समझ आया। उसी प्रकार से उसी प्रकार चार्ज के बात होगा, अगर ये हमारा कोई भी एक स्फीयर है, यहाँ पे जो चार्ज प्लस क्यू है और अंदर में कोई चार्ज क्यू है, और हमने यहाँ पे तीन पॉइंट लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होने वाला आपका, तो पॉइंट ए पे क्या आपका x जो है r से कम है, तो आपका मान कितना होगा माइनस के क्यू बाई एक्स और प्लस माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि एक 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 पोटेंशियल निकालने छोटा चार्ज के कारण, छोटा चार्ज के कारण कितना होगा माइनस के क्यू मतलब क्यू बाई एक्स प्लस माइनस के कैप्टन क्यू बाई आर। उसी प्रकार से हम एट पॉइंट बी की बात किए, तो वहां पे क्या आपका एक्स आर के बराबर है, तो वहां पे मैंने कितना लिखा माइनस के क्यू बाई आर प्लस माइनस के क्यू बाई आर। उसी प्रकार से हम पॉइंट सी की बात करते हैं, तो हमारा मान कितना होगा माइनस के क्यू बाई, ओके ये यहाँ पे स्मॉल क्यू माइनस के स्मॉल क्यू बाई एक्स और प्लस माइनस के कैप्टन क्यू बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स का मान कितना होगा आर से ज्यादा होगा। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये जो पोटेंशियल निकालने का जो तरीका सिखाया है वो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये चीज मैं कन्फ्यू रिपीट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा। मैं सिंपल फॉर्म में सिखाया, अगर चार्ज कोई अंदर होगा तो पॉइंट ए पे कितना होगा, तो पॉइंट ए पे आपका चार्ज अंदर है और डिस्टेंस बाहर है, बाहर में डिस्टेंस नहीं है। ओके, बाहर में डिस्टेंस कितना होगा और हमारा क्या, और अभी चार्ज हमारा बाहर है, बड़का क्यू जो बाहर है और डिस्टेंस हमारा अंदर है, तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, डिस्टेंस लेंगे हम चार्ज का, दूरी लेंगे चार्ज का, चार्ज का दूरी नहीं है। देखिए इसी प्रकार से बी की बात की, तो बी पॉइंट पे क्या है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों सेम पॉइंट, मतलब क्यू आप में स्मॉल क्यू की बात करते हैं तो बड़का डिस्टेंस लिए, और यहाँ पे छोटा क्यू के लिए भी वही हुआ, बड़का क्यू के लिए भी बी, तो डिस्टेंस तो बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी पॉइंट की बात की है, तो यहाँ पे दोनों के लिए डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, तो जहाँ चार्ज जहाँ पे वहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो बाहर में डिस्टेंस नहीं है दोनों में। ये इस तरह से हम ए बी और सी तीनों का हम पोटेंशियल निकाल लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत, जिस तरह चार्ज का निकालते हैं उस तरह का मास का भी निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पोटेंशियल पे कोई दिक्कत आज की क्लास में, Anyone has a doubt? अभी बेटे के किसी भी पोर्शन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा कोर्स खत्म हो चुका है, अब बाकी करनी पड़ेंगे, जो भी है टाइम भी नहीं बचा इसलिए।